हेलो गाइस फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ एक वो बड़ी न्यूज जिसके आने से पूरे स्टार्टअप कम्युनिटी में एक तहलका समझ गया है। यस, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, एक जो न्यूज जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपके सिग्नेचर की क्या ताकत है। What is the power of your signature that you are going to realize today? ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी अपने पर्सनल व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशनड इन वन ऑफ द पब्लिशिंग्स बाय द केन। द केन ने एक रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे ये बातें करी गई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आर्टिकल भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी कि क्या हुआ है। तो गाइस, बायजूस के ऑडिटर जो कि है डेलॉइट, जो कि है एक बिग फोर फर्म, उन्होंने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2021 को साइन ऑफ नहीं किया है। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के, 21-22 की बात नहीं कर रहे हम, 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आज तक साइन नहीं हुए हैं। और ये न्यूज जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई, जैसे ही द केन ने इस चीज को पब्लिश किया, एक तहलका समझ गया बिटवीन द स्टार्टअप वर्ल्ड। क्या हुआ साहब, सबको ये डर लगने लग गया कि भाई कोई तो चीज ऐसी है, कोई तो इररेगुलरिटी हो सकती है बायजूस में, जिसकी वजह से द ऑडिटर्स आर हेजिटेंट टू साइन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी एक थॉट आने लग गई है बाहर पब्लिक में, राइट? द केन ने इस रिपोर्ट में यह बताया है कि उन्होंने अपनी सोर्सेस से पता किया, जिसमें कि इंक्लूडेड थे बायजूस के कुछ एग्जीक्यूटिव प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट, और उनको ये खबर मिली है कि शायद कुछ रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड, कुछ लोन से रिलेटेड ऐसी दिक्कत वहां पे हो सकती है बायजूस में, जिसकी वजह से ऑडिटर्स को फाइनेंशियल साइन करने में दिक्कत आ रही है, राइट? और जैसे ही द केन ने ये चीज को पब्लिश किया पब्लिक डोमेन में कि भाई कुछ गड़बड़ वहां पे हो सकती है, वैसे ही पूरी स्टार्टअप कम्युनिटी को ये लगने लग गया, सारे इन्वेस्टर्स को ये लगने लग गया कि बायजूस में भाई कुछ तो गड़बड़ है। दया, नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, राइट? तो यहाँ पे आपकी $22 बिलियन की जो वैल्यूएशन है, $22 बिलियन की वैल्यूएशन बायजूस की, मेरे को कमेंट करके बताना कि उसका INR इक्विवेलेंट कितना होता है, रुपीज में कितनी वैल्यू होती है। सारे इन्वेस्टर्स को ये डर लगने लग गया कि कहीं बायजूस की वैल्यूएशन कम तो नहीं हो जाएगी। सो दिस इज अ बिग न्यूज कि भाई ऑडिटर्स के हल्का सा ये शो करने की वजह से, जो कि अभी तक पक्का भी नहीं है कि भाई ऑडिटर्स को कोई हेजिटेंसी है भी साइन ऑफ करने में या नहीं, लेकिन जरा सा एक आर्टिकल पब्लिश होने की वजह से हर तरफ ये तहलका मच गया कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, इन्वेस्टर्स की सांस थमी हुई है और पूरी स्टार्टअप कम्युनिटी को डर ये लग रहा है कि वैल्यूएशन का क्या होगा। दिस इज द पावर ऑफ योर सिग्नेचर। और इसके बाद शायद बायजूस ने एक क्लैरिफिकेशन भी निकाली है कि अभी कंसोलिडेशन का काम चल रहा है एंड इन द मंथ ऑफ जून वील बी फाइलिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी क्लैरिफिकेशन भी शायद बायजूस की तरफ से आई है, लेकिन इन सब के बावजूद एक जो साइन जाना था मार्केट में, एक जो इम्पैक्ट जाना था, वो जा चुका है और सबको ये अब डर लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या आएगा ऑडिट रिपोर्ट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और हमारी वैल्यूएशंस का क्या होने वाला है। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ द ऑडिटर्स, दिस इज योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, और ये आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपके सिग्नेचर के बेसिस पे आगे के सारे डिसीजन होंगे, इसलिए आपको अपना काम बहुत डिलीजेंटली करना है। और कहीं पे भी अगर ऑडिटर को डर लगता है तो पूरी दुनिया को डर लगना शुरू हो जाता है, राइट? सो दिस इज अबाउट इट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू एंड डू पे अ विजिट टू thinkingbridge.in फॉर वंस टू चेक आउट द वेरियस कोर्सेज ऑन द प्रैक्टिकल लर्निंग्स एंड वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ commerce and finance. Thank you guys. I'll see you in the next video.